हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन? ओके, वेरी गुड, आई एम आल्सो फाइन, एंड इज योर नैन्सी मैम इस क्लास के साथ। तो बच्चों, आज मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर 15, और पेज नंबर है 3535। दिस इज योर फोनोडी बुक, ठीक है, ब्लू कलर की है और इसकी पेज नंबर क्या है 3535, जो कि आपको नीचे स्क्रीन में भी दिख जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जाइए, अपनी बुक ओपन कीजिए और आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है फिगर 2, 11, 1, 2, 22, चैप्टर 15। ओके, टुडे इज नमन बर्थडे। टुडे, टी ओ टी ए वर्ड, टुडे मीन्स आज, टुडे मीन्स आज, इज इक्वल्स है नमन, मैंने यहाँ बताया था ना नमन, यहाँ पर क्या है बच्चों, अपोस्ट्रॉफी एस है, क्या है अपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि नमन, नमन का, मैंने बोला था ना परी, मीन्स परी का, ठीक है, तो आदित्य, मीन्स आदित्य का, तो यहाँ पर क्या है नमन, यानी कि नमन का बर्थडे। टुडे इज नमन बर्थडे, आज किसका बर्थडे है? यस, आज है नमन का बर्थडे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों, फादर गिव्स मी ए टॉप, टीओपी टॉप, एफ ए टी एच ई आर, फादर जी आई बी ई एस गिव्स, ठीक है, फादर देते हैं, किसको देते हैं, हिम, एच आई एम, हिम मतलब हो गया यहाँ पर नमन को, ठीक है, ए टॉप, ए मीन्स ए वन, टीओपी टॉप इट मीन्स लट्टू, लट्टू होता है टॉप, जिसको रस्सी से या पैसे लपेट करके खेलते हो, ठीक है, ये क्या है टॉप, टॉप इट मीन्स लट्टू। ठीक है, फादर गिव्स हिम ए टॉप, और फादर उसको क्या देते हैं, नमन को एक टॉप गिफ्ट करते हैं। ठीक है, टी एच ए एन के, थैंक, वाई ओ यू, थैंक यू यानी कि धन्यवाद, फादर क्या है, थैंक यू फादर, अपने पापा को क्या बोलते हैं, थैंक यू पापा, ठीक है, फादर इट मीन्स पापा, ठीक, सेज नमन, कौन बोलता है थैंक यू फादर, नमन कहता है थैंक यू पापा, जब उनके पापा उसको एक लट्टू गिफ्ट करते हैं, टॉप गिफ्ट करते हैं, तो नमन क्या बोलता है, थैंक यू पापा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट लाइन, ये लाइन बच्चों कंप्लीट हो गई है ब्लू कलर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, फुल स्टॉप किया है। अगर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट है तो आपको क्या करना है, फिर से आपको डबल इनवर्टेड कॉमा से आपको स्टार्ट करना है, मे आई हैव ए पार्टी फॉर माय फ्रेंड्स, अब क्या है वो परमिशन देना है, मे आई हैव ए पार्टी फॉर माय फ्रेंड्स, और क्या मैं अपने फ्रेंड्स की पार्टी दे सकता हूँ, अपने पापा से पूछ रहा है कि क्या मैं अपने बर्थडे पार्टी के लिए अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकता हूँ, पार्टी उन्हें दे सकता हूँ, तो क्या बोलते हैं पापा, नो, आगे देखते हैं, वाई यस, यस यू मे, यस मीन्स हाँ, आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, ठीक है, यस, वाई यस, यस वाई ओ यू मतलब आप, मे मतलब सकता है, यस आप कर सकते हो, सेज हिज फादर, किसने बोला कि हाँ आप पार्टी कर सकते हो, तो सेज हिज फादर, उसके पापा ने कहा, उसके मतलब कौन, तो नमन के फादर ने कहा कि हाँ बेटा आप पार्टी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट लाइन है मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर डब्ल्यू आई डबल एल, मेक अ केक फॉर यू, और मम्मी आपके लिए क्या बनाएंगी, यस क्या देखिए, आपके लिए केक बेक करेंगे, आपके लिए केक बनाएंगे, ठीक है, मदर विल बेक अ केक फॉर यू, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया बच्चों, तो एक बार आपको अच्छी तरह से मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप भी अच्छी तरह से पढ़िएगा, तो एक बार हम फिर से पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर 15। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलिए आप लोग भी, टुडे इज नमन बर्थडे, क्या बोलना है, टुडे इज नमन बर्थडे, फादर गिव्स हिम ए टॉप, क्या बोलना है, फिर से बोलिए वंस अगेन, फादर गिव्स हिम ए टॉप, थैंक यू फादर, सेज नमन,
Again, thank you father, says Naman. Okay, next line. May I have a party for my friends? Again, repeat it. May I have a party for my friends? Yes, you may, says his father. Mother will bake a cake for you. क्या है? Mother will bake a cake for you. तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आए कि आज नमन का बर्थडे है और नमन को उसके पापा ने उसको एक लट्टू यानी कि टॉप गिफ्ट किया है और नमन बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि आपके भी पापा आपके बर्थडे में आपको गिफ्ट करते हैं. बहुत सारे फ्रेंड्स आपके घर में जितने भी हैं, मम्मी पापा अंकल आंटी ठीक है जो भी हैं सब आपको गिफ्ट करते हैं ना आपके बर्थडे में ही. तो आप क्या बोलते हो? बस लेते जाते हो कि थैंक यू बोलते हो? तो रिप्लाई करते हो ना यस. नमन ने भी अपने पापा को बोला है जब टॉप लिए हैं गिफ्ट तो नमन भी उनको क्या बोले हैं? थैंक यू पापा, थैंक यू फादर. ठीक है तो ये किसने बोला थैंक यू? यस नमन ने बोला है. ठीक है और हु गिव्स हिम अ टॉप, कौन टॉप देते हैं? तो आपके इसी चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन भी निकलते हैं. हु गिव्स हिम अ टॉप, क्या बोलना है? फादर गिव्स हिम अ टॉप यानी कि फादर क्या देते हैं? लट्टू देते हैं. ठीक है हुज बर्थडे इज टुडे, आज किसका बर्थडे है? तो आप क्या बोलोगे? यस टुडे इज नमन बर्थडे. ठीक है हु विल बेक अ केक फॉर यू, और आपके लिए बेक जो है वो केक जो है बेक कौन करेगा? तो क्या बोलोगे? यस मदर विल बेक अ केक फॉर यू, तो यानी कि मदर आपके लिए केक बनाएंगी. ठीक है तो बच्चों आप इस चैप्टर को जितने अच्छे से पढ़ेंगे कम से कम मोर देन 10 times ठीक है तो 10 से ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो आपको चैप्टर अच्छी तरह से लर्न भी हो जाएगी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी. ठीक है बच्चों तो अच्छी तरह से इसको लर्न करना है. ठीक है तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, यही आपका क्लास वर्क और होमवर्क है. मिलते हैं आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ. तब तक क्या करना है? घर में खूब पढ़ाई करना है और अच्छे से रहना है. ठीक है ओके बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर.